नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। आज की इंग्लिश क्लास में फिर हम पढ़ेंगे 10 नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो नंबर से लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है, आपको आते रहेंगे तो आप कर लेंगे और सिलेक्शन पा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले से। सक्सेसर्स ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, मतलब जो रूलर्स, जो राजा महाराजा थे, वो जो एक ही फैमिली से आते थे, उसको क्या कहते थे। जैसे हमारे क्या थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उनके बाद कौन राजा बना, उनके बाद उनका लड़का राजा बना कौन, बिंदुसार, फिर उसके बाद अशोक। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे वंश की बात हो रही है, सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली, मतलब एक ही वंश के, तो इसको हम लिखते हैं डायनेस्टी। अब देखिए दूसरा, विच इज फिट टू बी ईटन, कोई भी चीज जो खाई जा सके उसको हम क्या कहते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट लेते हैं, वो खाने वाली चीज होती है, तो उसके पीछे क्या लिखा रहता है, उसमें लिखा होता है एडिबल। ठीक है, जैसे एडिबल ऑयल वगैरह भी लिखा रहता है जब इंग्रेडिएंट पीछे देखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिबल, मतलब खाने योग्य, एडिबल, खाने लायक। अब देखिए तीसरा, अ पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लिव, मतलब कोई अगर इंडिया का है, वो चला गया है ब्रिटेन में रहने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रवासी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं इमिग्रेंट। कोई जो हमारे मतलब किसी और देश का है और दूसरे देश में रहने के लिए जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, इमिग्रेंट। आज देखिए फोर्थ, डिजीज अफेक्टिंग मैनी पीपुल एट द सेम प्लेस एंड टाइम, 2 साल से एक बीमारी सबको परेशान किए हुए, पूरी दुनिया को, क्या है, कोरोना। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने बताया था कौन सी क्या चीज़, कि जो चीज़ छूने से या कॉन्टैक्ट में आने से फैलती है, उसको हम क्या कहते हैं, कंटेजियस। और जो कंटेजियस जो है, जब चीज़ इतना बढ़ जाती है कि उससे कई लोग सेम टाइम पे और सेम प्लेस पे अफेक्ट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एपिडेमिक। जैसे कोरोना को एपिडेमिक घोषित कर दिया गया था। एपिडेमिक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं महामारी, कोरोना एक महामारी को उसको घोषित कर दिया गया था। ठीक है, वो उसकी वजह से तो पूरी दुनिया बंद पड़ गई थी, सब कुछ डाउन हो गया था। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, कोई भी स्पीच जो विदाउट प्रिपरेशन दी जाए, मतलब उसकी तैयारी ना की गई हो। जैसे क्लास में किसी भी बच्चे को उठा दिया जाए और सामने बुला लिया जाए, कहने लगा जाए कि किसी भी टॉपिक पे बोलो, तो वो क्या होता है, वो तैयारी करके तो आया नहीं है। अब वो जो बोलेगा अपने मन से ही बोलेगा या फिर अपने अनुभव से बोलेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर, जो बिना तैयारी की स्पीच होती है, उसको हम एक्सटेम्पोर कहते हैं। अब देखिए सिक्स, वन हु बिलीव इन डेस्टिनी, मतलब डेस्टिनी मतलब फेट, भाग्य, जो भाग्य पे भरोसा करता है, मतलब जो भाग्यवादी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फेट पे भरोसा करने वाले को फेटलिस्ट, फेटलिस्ट। ठीक है, भाग्यवादी फेटलिस्ट हो गया। अब देखिए सेवन, प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी निश्चित एरिया या फिर किसी निश्चित जो टाइम होता है, जैसे हम पिछले टाइम की बात करें, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, वहाँ के जो पेड़ पौधे थे वो कैसे थे, तो जो उनके बारे में बात किया जाता है, तो उसके लिए वर्ड आता है हमारा फ्लोरा। साइंस में ये वर्ड बहुत आता है, फ्लोरा। और जब हम पर्टिकुलर रीजन के एनिमल्स की बात करते हैं, तब उसके लिए आता है फौना, फ्लोरा एंड फौना। ये साइंस में बहुत चलता है, जैसे जूलॉजी में फौना आ जाएगा और बॉटनी में फ्लोरा आ जाएगा। अब बात समझिए, जो प्लांट्स होते हैं, फूल भी प्लांट्स होते हैं, तो फ्लावर से ही मिलता जुलता है ना फ्लोरा, तो फिर याद रखिएगा प्लांट्स मतलब फ्लावर और फ्लोरा। ठीक है, अब बचा फौना, तो वो एनिमल हो गया। अब देखिए नाइन्थ, एक्सटर्मिनेशन ऑफ अ रेस और कम्युनिटी, एक्सटर्मिनेशन मतलब
ख़त्म करना किसी भी रेस को या कम्युनिटी को, मतलब किसी विशेष रेस यानी जाति को ख़त्म करना या किसी कम्युनिटी को ख़त्म करना, उसको हम क्या कहते हैं। जैसे हिटलर थे, हिटलर ने यहूदियों से बहुत नफरत करते थे, तो उन्होंने कई हज़ारों लाखों यहूदियों को मरवा दिया था, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे जेनोसाइड। जेनोसाइड मतलब जनसंहार, मतलब किसी एक विशेष रेस या कम्युनिटी के लोगों को ख़त्म करना जेनोसाइड कहलाता है। अब देखिए 10, द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स, पत्थर वैज्ञानिक, मतलब जो पृथ्वी के बारे में स्टडी करे और पर्वतों के, पहाड़ों के और पत्थरों के बारे में स्टडी करे, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम भूगर्भ वैज्ञानिक कहते हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे जियोलॉजी, उस विषय को हम कहते हैं जियोलॉजी। जब हम अर्थ की हिस्ट्री की खोज बात करते हैं, मतलब हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, या फिर रॉक्स की, मतलब कौन सा पहाड़, कौन सा पर्वत कहाँ से कैसे आया, तो ये जब स्टडी होती है तो इसको हम जियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आज की इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।